फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम टिक। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के री एग्ज़ाम का ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स अपना ऑफिशियल आंसर की देख चुके हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाला है, और जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक वे जाके अपना ऑफिशियल आंसर की देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर भी हम ऑफिशियल आंसर की को शेयर कर देंगे। दोस्तों ऑफिशियल आंसर की के आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन उम्मीद से ज़्यादा गलत हो जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर रीजनिंग वाला जो पोर्शन था वहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा गलतियों का सामना करना पड़ जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर एक क्या कारण है और कितना जो है यहाँ पे कट ऑफ रह सकता है, किस शिफ्ट को फ़ायदा होगा यहाँ पे, इस चीज़ के बारे में भी देखेंगे। कितना नंबर बढ़ सकता है, कितना घट सकता है, इसके बारे में भी देखेंगे। वीडियो लास्ट देखिए, उससे पहले यदि आप नए चैनल पे चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मात्र एक सेकंड का समय लगेगा, उसके बाद आप जुड़ेंगे, फिर कोई वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 26 और 27 तारीख को चार शिफ्टों में वीडियो का एग्ज़ाम कराया गया था, जिसमें जो 26 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट था उसको आसान रखा गया था, जबकि जो 26 तारीख का सेकंड शिफ्ट था वह सबसे टफेस्ट शिफ्ट रखा गया था। दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें होने के बाद जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें बहुत सारा स्टूडेंट्स का जो है रीजनिंग में गलती देखने को मिला है। रीजनिंग में गलती दोस्तों अधिकतम जो है वे जो कथन निष्कर्ष वाले पोर्शन से गलती देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत माइनर डिफरेंस रखा गया था ऑप्शंस में, जिसके कारण से स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा दिया गया आंसर सही है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और ऑब्जेक्शन के लिए यहाँ पे प्रूफ भी मांगा जाएगा आपको, तो प्रूफ भी आपको बाकायदा देना होगा। यदि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो फिर आपका ऑब्जेक्शन यहाँ पे मान्य नहीं होने वाला है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों जो ऑफिशियल आंसर की आया है, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर जा रहा है दोस्तों, वह एवरेज स्कोर 205 प्लस जा रहा है। 205 प्लस फर्स्ट शिफ्ट का 26 तारीख का जो एवरेज स्कोर जा रहा है दोस्तों, 205 प्लस जा रहा है। इसका मतलब एवरेज से ऊपर ही यहाँ पे कट ऑफ रहने की संभावना है। बाकी यहाँ पे जो सेकंड शिफ्ट का एवरेज जा रहा है वो दोस्तों कम जा रहा है 26 तारीख का, जबकि यहाँ पे जो सेकंड शिफ्ट टफेस्ट शिफ्ट था जिसके कारण से यहाँ पे नंबर बढ़ने के चांसेस भरपूर है। आपको देखने को मिल सकता है कि 5 से 7 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चंस का फ़ायदा देखने को मिल सकता है, जो सब सेकंड शिफ्ट में 26 तारीख के सेकंड शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम हुआ था उनको निश्चित तौर से नॉर्मलाइजेशन में 6 से 7 क्वेश्चंस का फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और दोस्तों यदि कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ के बारे में यहाँ पर यह चीज़ें हैं कि यदि 205 प्लस OBC है तो यहाँ पर अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं, और ये दोस्तों 26 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में है। अब बाकी अभी नॉमिनेशन के बाद नंबर कितना बढ़ेगा उसके हिसाब से सेकंड शिफ्ट वाले भी इस रेंज में आ सकते हैं, और दोस्तों यदि 210 प्लस जनरल के होंगे तो उनको यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों यह है कि यदि 210 प्लस जिनका भी है, जिस भी स्टूडेंट्स का 210 प्लस है वो तो पक्का मान के चले यहाँ पर उसका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है, उसको DV के लिए यहाँ पर कॉलिंग आने वाली है। ठीक है ना दोस्तों, आपके कितने नंबर हैं और आपका कौन सा शिफ्ट था आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी, तब तक ले जाए जय भारत।